कांग्रेस पार्टी पक्ष में है, पर मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, ए पर व्यवस्था का प्रश्न उठा है। दो तीन बातें मुख्य रूप से सामने आई हैं, इसलिए सदन का अधिकार है, ए हर सदस्य का, कोई भी वो सदस्य हो उसका अधिकार है कि वो सभापति से व्यवस्था का प्रश्न उठाए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए। कृपा करके देश को और सदन को हमको सही सूचना देनी है, घबरा नहीं करना। वो पौने पांच साल के बाद को आपकी नींद टूटी है तो इसलिए श्रेय मत लें, इस पे राजनीति है, चुनाव है, हम भी समझते हैं, आप भी जानते हैं, यहाँ बालक तो नहीं बैठे, सब लोग राजनीति करते हैं, आप ही राजनीति कर रहे हैं, पर हमारे पे दोष मत दें, आरोप मत लगाएं। ये निर्णय कोई जल्दबाजी में नहीं लिया है, अच्छी नीति से लिया है, अच्छे इरादे से लिया है, अच्छे सोच को लेकर के लिया है, और उन लाखों करोड़ों सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए लिया है, ताकि वो भी अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सके। जहां तक जल्दबाजी की बात है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर एक बार नहीं अनेक बार संसद के दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से भी विचार विमर्श हुआ है, अनेक बार अनेक माननीय सांसदों ने दोनों सदनों में प्रश्न पूछ करके भी इस प्रकार की समस्या के समाधान के प्रयास किए हैं। इतना ही नहीं तो मंडल कमीशन जब बना था तो मंडल कमीशन ने भी सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के हित में अपनी राय दी थी, प्रतिवेदन में ये उल्लेख किया था कि इन गरीब वर्ग के सामान्य लोगों को भी 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। He accused Congress, but I tell you why do we oppose this, sir? ये मध्यरात्रि की डकैती है सर, ओबीसी की हिस्सेदारी पे चुपी है, शेड्यूल कास्ट की आबादी के हिसाब से चुपी है। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताएं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहा सर, प्लीज साहब, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हो रही है सर, संविधान सभा बनाने अंडर व्हिच रूल, अंडर व्हिच रूल, प्लीज कोट 38A, यस, वेयर बाय मिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मेड स्वीपिंग स्टेटमेंट्स व्हिच आर इनक्रिमिनेटरी इन नेचर फॉर द एंटायर अपोजिशन, दिस इज नॉट हाउ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मैं सबसे पहले लोकसभा में उन सभी लोगों को, सभी दलों को बधाई देता हूं जिन्होंने एक स्वर से इस विधेयक को पारित किया, और उसी भावना के साथ मैं राज्यसभा में भी उन करोड़ों लोगों की आवाज, अलकम अलकम, जो वर्षों से इस बात के इंतजार में थे कि कब हमारा सपना पूरा होगा, आज राज्यसभा में भी एक मत से सभी इस विधेयक को पारित करेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ।